सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दरवाजे पर ताला इसीलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में निकला है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ बिल्कुल ना करें। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। आज का पंचांग 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 1:13 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र सुबह 10:46 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:36 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृश्चिक राशि पर ही रहेंगी। वृषभ राशि 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार, स्वास्थ्य चिंताओं के कारण आप परेशान हैं। अपनी चिंताओं को स्वयं ही ना रखें बल्कि उनके साथ शेयर करें जो आपकी सहायता कर सके। सोच समझ कर निवेश करें, अभी खुद की देखभाल का अभ्यास करें और अपने उत्तरों के लिए आध्यात्मिक रास्ते का सहारा लें। आज सितारे और किस्मत दोनों आपके पक्ष में हैं। एक स्थिर मन और सही दृष्टिकोण आपको हर तरह से सफल बनाने में मदद करेगा। सफलता आपको हासिल होगी या फिर नहीं, यह बात केवल इस पर निर्भर करती है कि आप खुद सफलता के लिए कितने इच्छुक हैं। परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय सौहार्दपूर्ण बनाने में आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। साथ ही बच्चों के भी कामों में मदद करने से उनमें सुरक्षा की भावना आएगी। विवादों का आदान प्रदान उन्हें कोई नई दिशा का सुझाव दे सकता है। भौतिक सुख पाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज ना करें। फायदे के साथ नुकसान की आशंका भी बन रही है। मीडिया से जुड़े लोगों को मनचाहे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिससे आपको नाम और मेहनत का फल मिलेगा। आप जिनके प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं उनको भी आपके प्रति आकर्षण महसूस होगा। ये रिलेशनशिप में तब्दील होना नामुमकिन होगा। सिलसिले में सुधार के लिए की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। सावधानियां, अधिक उदारता आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। कोई आपकी भावना का गलत फायदा उठा सकता है जिसकी वजह से मन रहेगा। विद्यार्थी व युवा वर्ग मौज मस्ती के चक्कर में अपने करियर से किसी प्रकार का समझौता ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में सगाई विवाह जैसी कुछ योजनाएं बनेगी जिसे घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। घरेलू और व्यावसायिक मामले आपके अपमान या दुख का कारण भी बन सकते हैं। प्रेम का रोग लाइलाज है जो केवल अपने पार्टनर की केयर और प्यार से ही ठीक होगा, लेकिन ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करें। अपने पिता से मिली शिक्षा व ज्ञान का अब आपको फायदा होगा। आज आपका भाग्यशाली दिन है इसलिए अपने इस दिन से कुछ फुर्सत के पल निकालें। अपने विचारों का समर्थन आपके विचारों का समर्थन दुनिया भी करेगी, खासकर वो लोग जो आपके लिए सब कुछ हैं। अपने साथी को खुश रखेंगे तो आपकी चाहत का बगीचा ऐसे ही हरा भरा रहेगा। इस जबरदस्त दिन के बाद पार्टी तो बनती है। बात करते हैं करियर की। घर या काम में संतुलन बनाना आपके लिए इस समय चुनौती हो सकता है। आपका शांत मूड आज आपके सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेगा जिससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। सफर में हुई गड़बड़ी या कोई अप्रत्याशित बीमारी आपको निराश कर सकती है।
अपनी मानसिक शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करके आप धन और भौतिक सुरक्षा के मामलों में समृद्ध हो सकते हैं। अपने करियर में बदलाव करने के लिए यह समय उपयुक्त है। कुछ रोमांचक वित्तीय सौदे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने ड्रीम जॉब भी आपको मिल सकती है, बस धैर्य रखें और सतर्क रहें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बहुत अधिक व्यवस्था की वजह से थकान जैसी स्थिति अनुभव होगी। साथ ही गर्मी से भी अपना बचाव रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।